यूपी पुलिस अपनी छवि को लाख सुधारने की कोशिश करती रही, लेकिन रिश्वतखोर पुलिसकर्मियों के कारण यूपी पुलिस को हर बार बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मामला बदोही के कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक रिश्वतखोर दरोगा मामले को खत्म करने की एवज में पीड़ित व्यक्ति से रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर गाड़ी है। लगाए लोकल ड्राइवर वहीं से। ए चंदन, अपना आधार कार्ड देते हो? आधार कार्ड आधार कार्ड फोटो हिस्ट्री सब फोटो हम ले सकते बोलिए वो बोलिए हम ले लेंगे। बताया जा रहा है कि दरोगा आनंद सिंह ओरई कोतवाली में तैनात है। त्योरी गांव के रहने वाले राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस रहा था, जिसके साथ उनका विवाद हुआ था। इस मामले में उसने कोतवाली में शिकायत भी की, लेकिन कोतवाली में तैनात दरोगा ने मामले को रफा दफा करने के लिए 25,000 रुपए की मांग की। मेरे घर में एक अज्ञात व्यक्ति आया, जिससे वो ईंट पत्थर चलाने लगा। मैं उसको रोकने की कोशिश की, उसके बाद मैं 100 नंबर को फ़ोन किया। 100 नंबर पुलिस आई, दोनों लोग को थाने ले गई और मेरे ऊपर मुकदमा उल्टा किया गया। और उसके बाद फिर रात को मुलजिम दोनों साथ लाया गया और 25,000 रुपये का डिमांड हुआ, जिससे मैंने 5,000 रुपया दिया। 2 दिन बाद 20,000 देने की बात थी। फिर हम लोग SP महोदय के यहाँ गए, SP से सारे सब कुछ बताया गया, जिससे उन्होंने वो आनंद प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर। इतना ही नहीं, रिश्वत नहीं देने पर उसने व्यक्ति के खिलाफ मामले में कई धारा लगाने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित ने दरोगा को रुपए दिए। ये घटना उसने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ASP ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। राकेश सिंह एक हैं, त्योरी के रहने वाले हैं। उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया था कि औराई थाने के SI आनंद कुमार सिंह ने जो है उनसे कुछ पैसे की मांग करी है एक मुकदमे की विवेचना के संबंध में, जिस पर उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने SI आनंद कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच अपर पुलिस अधीक्षक भदोही को सौंपी है। जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद जो भी जांच रिपोर्ट में आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। फिलहाल दरोगा के सस्पेंड होने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस का आभार जताया है। वहीं SP ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।